हेलो एवरीवन स्वागत है आपका द शिक्षक एजुकेशन ऐप पर आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल तो चलिए समझते हैं क्या है क्वार्टाइल्स तो क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू दैट डिवाइड द लिस्ट ऑफ नंबर और द डेटा पॉइंट्स इन अ फोर क्वार्टर्स दैट इज़ फोर पार्ट्स ऑफ मोर और लेस इक्वल साइज़ अब इसका मतलब क्या होता है देखो जो भी ऑब्जर्वेशन जो भी डेटा हमने सैम्पल्स और सर्वे से कलेक्ट किया है या जो भी डेटा फैक्ट्स और फिगर्स हमें दी गई है उन सारे फैक्ट्स और फिगर्स को अगर हम फोर इक्वल पार्ट्स में अगर हम क्या कर दें डिवाइड कर दें तो उसे क्या करते हैं क्वार्टाइल कहते हैं तो क्वार्टाइल देर आर थ्री मेन क्वार्टाइल्स जो पहला क्वार्टाइल है उसे फर्स्ट क्वार्टाइल कहा जाता है या लोअर क्वार्टाइल भी कहा जाता है सेकेंड क्वार्टाइल या मीडियन भी कहा जाता है जो थर्ड पार्ट है उसे थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल भी कहा जाता है तो तीन क्वार्टाइल है फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज़ लोअर क्वार्टाइल सेकेंड क्वार्टाइल दैट इज मीडियन एंड द थर्ड क्वार्टाइल दैट इज द अपर क्वार्टाइल तो चलिए एक एक करके इन क्वार्टाइल्स के बारे में बातें करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल इसका जो नोटेशन है इसका जो नोटेशन है ये है क्यू वन इट इज़ द मिडल नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द मीडियन ऑफ द डेटा समझो मेरे पास कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस सेट ऑफ ऑब्जरवेशन में क्या है ये मिडल वैल्यू है तो मिडल वैल्यू मतलब जो मिडल मीडियन है मिडल वैल्यू मीडियन और यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इनके बीच कितने डेटा सेट्स अवेलेबल है वो कौन डिनोट करता है फर्स्ट क्वार्टाइल इट इज़ कॉल्ड एज ए ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द डेटा ट्वेंटी फाइव अगर डेटा का ट्वेंटी फाइव परसेंट की बात की जाए या बिलो दिस पॉइंट बात की जाए तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल से रिप्रेजेंट करते हैं इट स्प्लिट ऑफ द लोवेस्ट ट्वेंटी परसेंट फ्रॉम द हाइस सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डेटा समझो ये आपका पूरा डेटा हंड्रेड परसेंट डेटा है तो अगर इसमें से ट्वेंटी फाइव परसेंट ये अगर बॉटम वाला ट्वेंटी फाइव परसेंट कंसिडर किया जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका क्वार्टाइल वन तो ये क्या करता है स्प्लिट करता है क्वार्टाइल वन स्प्लिट करता है आपके बॉटम ट्वेंटी फाइव परसेंट को रेस्ट ऑफ द सेवेंटी फाइव परसेंट डेटा से देन नेक्स्ट जो है हमारा सेक सेकेंड क्वार्टाइल सेकेंड क्वार्टाइल तो मीडियन होता है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने मीडियन के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं देन थर्ड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल इट इज़ द मिडल वैल्यू बिटवीन द हाइस्ट वैल्यू एंड द मीडियन ऑफ द डेटा सेट जैसे ये डेटा सेट का मीडियन है तो मीडियन और उसके बाद पूरे डेटा सेट में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बीच का जो डेटा पॉइंट्स है उसके बीच का जो डेटा है वो कौन रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वार्टाइल रिप्रेजेंट इट इट इज़ अ सेवेंटी फाइव ऑफ द डेटा अगर ये आपका क्या है पूरा हंड्रेड परसेंट डेटा है तो उसका सेवनटी फाइव परसेंट डेटा ये क्या होता है ये पूरा डेटा क्यू थ्री होता है तो इट स्प्लिट्स द हाइस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डेटा फ्रॉम द लोवेस्ट सेवेंटी यस येस ये देखो ये हाइस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो हाइस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट डेटा को अलग कर देता है किससे जो लोवेस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट है उससे तो एक बात हमें समझ में आ गई जब मैं क्यू वन की बात करता हूँ तो ट्वेंटी फाइव परसेंट डेटा की बात करता हूँ जब मैं क्यू टू की बात करता हूँ तो मैं फिफ्टी परसेंट मतलब ये वाली वैल्यू भी इसमें इंक्लूड होती है देन क्यू थ्री की बात करता हूँ तो सेवेंटी फाइव परसेंट की बात करता हूँ मतलब ये ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी ये दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड होती है तो क्यू थ्री मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डेटा क्यू टू मतलब फिफ्टी परसेंट ऑफ द डेटा क्यू वन मीन्स द ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डेटा अब क्वार्टाइल किस किल किस के लिए, लिए कैलकुलेट किया जा सकता है तो रॉ डेटा के लिए डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कैसे रॉ डेटा के लिए क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे तो रॉ डेटा के लिए अगर आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है या अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करना है तो इस्टेप से पहले क्या करिए अरेंज कर दिए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद एक जनरल फार्मूला जो है वो क्वार्टाइल का क्या है क्यू के के मतलब नंबर ऑफ क्वार्टाइल वन टू थ्री जो भी हो सकता है वैल्यू ऑफ के एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है क्वार्टाइल मिल जाता है वन टू थ्री रिस्पेक्टिवली जो भी तो वेयर के इक्वल टू वन फॉर द लोअर क्वार्टाइल के इक्वल टू टू फॉर द सेकंड क्वार्टाइल एंड के इक्वल टू थ्री फॉर द अपर क्वार्टाइल तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं ये हमारे पास एक रॉ डेटा है अनग्रुप डेटा है सब इसके लिए क्यू वन और क्यू थ्री मुझे निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होगा डेटा को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद डेटा हमें कुछ इस तरह से मिलेगा अब हमें क्या करना है क्यू वन की वैल्यू निकालनी है तो क्यू वन इक्वल टू वैल्यू ऑफ़ एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो एन कितना है एन यहाँ पर है टेन टोटल क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है एन तो टेन प्लस वन डिवाइड बाई फोर तो कितना आ गया वैल्यू ऑफ़ टू पॉइंट सेवन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अब टू पॉइंट सेवन यहाँ तो ऑब्जर्वेशन टू होगी या तो थ्री होगी टू पॉइंट सेवन फाइव कैसे होगी तो टू पॉइंट सेवन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करते हैं तो लिखें पहले हम वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर देखिए ये कितना है टू प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव लिख दिया अब टू पॉइंट सेवन फाइव किसके किसके बीच में आता है थर्ड ऑब्जर्वेशन और सेकेंड ऑब्जर्वेशन के बीच में आता है, है. इसलिए पहले थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन तो वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी सेकेंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमारी वन फोर्टी एट थी वो पुट कर दी जीरो पॉइंट सेवन फाइव एज इट इज़ थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू वन फिफ्टी वन यहाँ से ये मेरी सेकेंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू थी मेरी थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 151 फिफ्टी वन माइनस वन अगर ये सब्ट्रैक्शन किया तो कितना मिलता है थ्री अगर इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो 150.25 ये मेरा क्वार्टाइल वन हो जाएगा अब क्वार्टाइल थ्री फाइंड करना है तो वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल है इसलिए यहाँ पर थ्री आ रहा है अगर सेकेंड क्वार्टाइल होता तो यहाँ पर टू आता तो अब इसको परफॉर्म करें तो वैल्यू ऑफ थ्री इंटू ऑब्जर्वेशन क्यों क्योंकि इतनी की वैल्यू तो 2.75 आएगी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ एट पॉइंट टू फिफ्थ अब एट पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे एट अलग से और ज़ीरो पॉइंट टू फाइव अलग से अब जीरो अब एट पॉइंट फाइव किसके बीच में आ रहा है नाइन और एट के बीच में आ रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एट्थ ऑब्जर्वेशन प्लस जीरो पॉइंट फाइव वैल्यू ऑफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस एटथ ऑब्जर्वेशन तो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो कितना आ जाएगा वन सिक्सटी थ्री प्लस ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव टू फाइव वन सेवेंटी वन माइनस वन सिक्सटी थ्री कैलकुलेशन को हम परफॉर्म कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा वन सिक्सटी थ्री प्लस टू देट इज़ वन सिक्सटी फाइव ये हमारा थर्ड क्वार्टल इस तरह से हम रॉ डेटा के लिए क्या कर सकते हैं क्वार्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टाइल फॉर द डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें मिल जाए तो हम उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है लेस देन क्यूमिलिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है उसके बाद हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे वैल्यू ऑफ़ के के मतलब नंबर ऑफ कॉटाइल देन कैपिटल एन कैपिटल एन मतलब सम ऑफ सम फ्रिक्वेंसीज सम्रिक्वेंसीज प्लस वन होल डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो एन क्या है सम ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज है सर्च फॉर द वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू के यहाँ पर के एन प्लस वन होल डिवाइड बाई फोर इन लेस देन क्यूमिलिटी फ्रीकुंसी सो जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट करने के बाद जो वैल्यू हमें एक्स आई का मिलेगा वही हमारा क्या होगा क्वार्टाइल होगा तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ये रहा हमारा एग्जाम्पल अभी इसके लिए सारे क्वार्टाइल फाइंड आउट करें सारे क्वार्टाइल मतलब Q1, Q3, ओके okay? मीडियन अगर Q2 फाइंड करना है दैट इज़ मीडियन पार्ट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे क्यूमिलिटी फ्रिक्वेंसी तो क्यूमिलिटि फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी 12, 12 में 35 फाइव प्लस किया 47, इस तरह से हम पूरी क्यूमिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे 95 आ जाएगी अब 95 आ गई तो यहाँ पर ये जो 95 आया है यही क्या हो जाएगा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा एन तो हेयर एन इक्वल टू नाइन्टी फाइव तो एन क्या हो गया हमारा नाइन्टी फाइव हो गया तो अब हम निकाल हमें निकालना है क्वार्टाइल वन तो क्वार्टाइल वन क्या होता है वैल्यू ऑफ कैपिटल एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो कैपिटल एन तो हमारा नाइन्टी फाइव है तो नाइन्टी फाइव में वन प्लस करेंगे नाइन्टी सिक्स तो नाइन्टी सिक्स को फोर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ़ नाइन्टी सिक्स डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन अगर डिवाइड करते हैं तो आता है ट्वेंटी फोर्थ ऑब्जर्वेशन अब हमें क्या करना है क्यूमिटी फ्रिक्वेंसी के कॉलम में चेक करना है कि 20, कौन सी ऐसी क्यूमिलिटी फ्रिक्वेंसी जो ट्वेंटी फोर से बड़ी है या ट्वेंटी फोर के बराबर है तो हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें फोर्टी सेवन मिलता है तो क्या हो जाएगा क्यू वन इक्वल टू फोर्टी सेवन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है हमारी क्वार्टाइल फर्स्ट है ये थर्टी फाइव इसी तरह से क्यू थ्री क्या वैल्यू ऑफ थ्री एन प्लस वन डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो अगर ट्वेंटी फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा सेकेंड ऑब्जर्वेशन सेवेंटी सेकेंड ऑब्जर्वेशन तो सेवेंटी सेकेंड तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर अवेलेबल है किसके करस्पॉन्डिंग है फोर्टी फाइव के करस्पॉन्डिंग है तो क्यू थ्री कितनी हो जाएगी फोर्टी फाइव हो जाएगी इस तरह से डिस्क्रिट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम निकाल सकते हैं क्वार्टाइल्स uh, अब बात करते हैं क्वार्टाइल फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या करना है सबसे पहले सबसे पहले वही काम लेस देन क्यूमुलिटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है उसके बाद क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्कस करेंगे उसके बाद ये तीन फॉर्मूले यूज़ करने हैं क्यू वन के लिए क्यू टू के लिए क्यू थ्री के लिए तो यहाँ पर अब नोटेशंस के बारे में समझ लेते हैं कि एल क्या होता है एल होता है लोअर लिमिट ऑफ़ द मीडियन क्लास एच होता है क्लास विड्थ या क्लास डिफरेंस बोल सकते हैं एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एन क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी और सी एफ क्या होता है क्यूमेलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसडिंग मीडियन क्लास तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डेटा है ग्रुप डेटा है अब ग्रुप डेटा है, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है क्यूमेलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लें पहले तो टू एज इट इज़ टू प्लस नाइन इलेवन हो जाएगा इलेवन में फिर से ट्वेंटी फाइव प्लस करेंगे इस तरह से कैलकुलेट करते करते हमने कितनी 115 तक फाइनल फ्रिक्वेंसी और यही क्या होगा हमारा एन होगा यही क्या होगा हमारा एन होगा तो अब मुझे क्या करना है क्वार्टाइल निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एन 115 आ गया तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए एन बाय फोर निकालूंगा क्यों क्योंकि वन इंटू एन बाय फोर तो वन बाई वन फिफ्टीन डिवाइड बाई फोर कितना आ जाता है मेरा 28.75 अब मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करूंगा कि उन सी फ्रिक्वेंसी ऐसी है जो 20.75 के बराबर है या उसे ग्रेटर है तो मुझे कौन सी मिल रही है 36 मिल रही है उसका क्लास कौन सा है ये वाला है तो यहाँ पर लाइज इन 34 फोर टू थर्टी अगर ये मिल गया अपना सारा काम हो गया क्यों क्योंकि अब मुझे चाहिए एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यही मेरी मीडियन क्लास है इसकी लोअर लिमिट की थर्टी फोर एच इन दोनों के बीच का डिफरेंस थर्टी सिक्स माइनस थर्टी फोर टू देन उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ़ द मीडियन क्लास ट्वेंटी फाइव देन उसके बाद सी एफ फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग टू द मीडियन क्लास मीडियन क्लास के प्रसिडिंग ये क्लास है उसकी क्यूमुलिटी फ्रीक्वेंसी इलेवन तो अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा क्यू वन इक्वल टू एल एच अपॉन एफ एन बाई फोर माइनस सी एफ तो एल क्या लोअर लिमिट सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी और पुट करने के बाद क्या करना है कैलकुलेशन परफॉर्म करना है ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन फाइव माइनस इलेवन सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव फिर उसको टू से मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी फाइव से डिवाइड देन थर्टी फोर वन पॉइंट फोर टू फाइनल कैलकुलेशन करेंगे थर्टी फाइव पॉइंट फोर टू आंसर आएगा तो क्यू वन हो जाएगा थर्टी फाइव पॉइंट फोर टू ऐसे क्यू थ्री निकालना है तो क्यू थ्री निकालने के लिए थ्री एन बाई फोर निकालना पड़ेगा पहले तो थ्री एन बाई फोर इक्वल टू थ्री वन फिफ्टीन डिवाइड बाई फोर ये कर लिया तो कितना आ गया एटी सिक्स पॉइंट टू फाइव अब मुझे चेक करना है एटी सिक्स पॉइंट टू फाइव कहाँ पर आएगा वो तो यहाँ पर आएगा तो ये मेरी क्या हो जाएगी अब मेरी मिडिन क्लास ये हो जाएगी तो लाइज इन 38 टू 40 तो अब मेरा एल क्या हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास 38 का 38 एट दैन एच कितना हो जाएगा टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास अब मेरी 49 हो जाएगी देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रिसडिंग क्लास का 66 हो जाएगा देन वैल्यू पुट कर दूंगा अभी तो एल प्लस एच अपॉन एफ थ्री एन बाय फोर माइनस सी एफ वैल्यू पुट करेंगे हम और कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा ट्वेंटी थर्टी एट प्लस टू बाई फोर्टी नाइन इंटू ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव अगर इसको परफॉर्म कर देंगे थर्टी एट पॉइंट एट टू ये हमारी हो जाएगी थर्ड क्वार्टाइल सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वार्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू रॉ डेटा एंड अनग्रुप डेटा डिस्क्रिक्ट फ्रीकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थैंक यू